कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी सब कुछ लॉकडाउन कर दिया गया है, सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में कपिल शर्मा ने एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली है जिससे उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। कपिल के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज कराया गया है और ये सारा बवाल हुआ है उनके 126वें एपिसोड को लेकर। दरअसल इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट स्वर्ग और नर्क को लेकर था, जिसमें कपिल शर्मा ने यमराज का गेटअप रखा था। सपना और कीकू ने इस एपिसोड में जबरदस्त कॉमेडी की थी, लेकिन कुछ लोगों को इस कॉमेडी में देवी देवताओं का मजाक उड़ाना लग गया। अब कपिल के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, इसमें स्वर्ग और नर्क के एपिसोड में देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक प्रसारण किए जाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए सुनवाई की तारीख 4 मई रखी है। ये मामला इतना बढ़ गया है कि सोनी टीवी ने इस पर माफ़ी मांगी है। सोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक माफ़ीनामा लिखा है। इस नोट में लिखा गया है, हमारे कार्यक्रम द कपिल शर्मा शो जो शनिवार 28 मार्च को प्रसारित हुआ था, उससे कुछ दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसका हमें बेहद खेद है। कृपया आश्वस्त रहें कि हमारा यह इरादा बिल्कुल नहीं था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कपिल शर्मा पर वाकई केस चल सकता है, तो इसका जवाब है, अगर कोर्ट की सुनवाई 4 मई को होती है और कोर्ट को ये लगता है कि वाकई इसमें देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, तो कोर्ट कपिल पर केस चलाने की इजाज़त दे सकता है। हालांकि मजाक उड़ाना और अपमान करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि इस एपिसोड के जरिए वाकई देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, तो इसमें सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। इस केस का दूसरा पक्ष ये भी है कि कई बार ऐसे मामलों में लोग फेमस होने के लिए इस तरह का केस दायर करते हैं। इससे न्यूज़ चैनल और अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। कुछ दिन पहले भारती पर भी ऐसा ही केस किया गया था, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। खैर, अब देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। टेलीविज़न और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।